तो गुरु जी मेरा आपसे एक सवाल और था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जो हमारे बगतावल है या जो ये हमारी ये तंत्र विद्या है, जो हमारे भगवान बावरी जो सेवादार, ये हम वाल्मीकि समाज वालों को ही अधिक क्यों मिले हैं, जी औरों को इतना क्यों नहीं मिले? जी जो ये तंत्र विद्या है ये हमारे समाज में अत्यधिक या अधिक या ज्यादा क्यों है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जितना मुझे पता मैं बताऊंगा। अभी समाज है, समाज में एक से एक हमारा भाई बैठा है, वीर बैठा है, जितने वीर। प्रणाम सभी दर्शकों को, भक्तावल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे हमारे प्रिय गुरुवर श्री ओम प्रकाश लोहेरा उर्फ पालो गुरुदेव जी से, जो गूढ़ ज्ञान के ज्ञाता हैं, जिनसे आज हम हमारे समाज और भक्तावल की कुछ अनकही अनसुनी बातों पर चर्चा करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे। जो ज्ञान चलता तो सभी के दिमाग में है पर वो उन्हें कहीं से प्राप्त नहीं हो पाता, आज हम उनसे ऐसे ही सूक्ष्म विषय पर बात करेंगे। भक्तावल की दुनिया से जुड़ने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको आगे चल के और भी ज्ञान की बातें मिले। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। प्रणाम सभी दर्शकों को, भक्तावल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे प्रिय गुरुदेव पालु गुरु जी से। तो आइए पालु गुरु जी से हमारे कुछ सवाल जवाब, जो ज्ञान की बातें हैं जो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए आप सभी को, हमें जो आजकल लुप्त होती जा रही है बातें, जो गायब होती जा रही है, वो हम पालु गुरु जी से सीखेंगे और आपको भी पता चलेगा। तो आइए बात करते हैं पालु गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। ठीक ठाक? हाँ ठीक हो सर। और आप सुनाइए। ठीक ठाक गुरु जी। तो गुरु जी आपसे ये हम बात करना चाहते हैं, जो हम महर्षि वाल्मीकि जी है जी, तो ये कौन थे और हम जो हम वाल्मीकि समाज से हमें कहा जाता है जी, तो हम हैं कौन वास्तव में जी? क्योंकि हम महर्षि वाल्मीकि जी से तो हमारा नाम जोड़ा गया है जी, उसके उपरांत या उससे पहले हम थे क्या जी? कौन थे हम, तो आप बताए दर्शकों को जी। उससे पहले वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि जो ना हमारे साथ जोड़ा गया, इससे पहले तो क्या था कि हमारे तो कई नाम दे दिए। पहले मैत्र कहा करते, बंगी कहा करते, खाक रूप कहा करते, लाल बेगी कहा करते, शिवर कहा करते, अब वाल्मीकि कहने लगे। तो हमारा तो मैं तो इन्होंने कहीं जोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के साथ जोड़ दिया। अब ये वाल्मीकि हमारा गुरु है, ठीक है वाल्मीकि हमारा गुरु है, तो वाल्मीकि हमारा गुरु क्यों कैसे है? वाल्मीकि तो पंडित था और हम आदिवासी हैं। हाँ, आदिवासी हैं तो जिस टाइम पे धर्म परिवर्तन करने लगे जी, जी हिंदू हाँ। भाई जब ये काम हो, इन पंडित लोगों ने जब, तो भाई इन जो हिंदू बनाते हमें, जब इनका काम निकल जाए तो मेरे को पूछते नहीं, तो हमें धर्म परिवर्तन करने लगे। तो बाबा साहब ने कहा, भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो जब हमने बहुत धर्म अपनाया तो वाल्मीकि जी को सौंप दिया। तो हम ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के संतान कहलाए, हम महर्षि वाल्मीकि जी की वाल्मीकि जात कहलाए जी सर। अच्छा, ऐसे वाल्मीकि जी की जो ना हमारे पर तोहफा लगा उनको। अब क्या है कि हमारे समाज को तो ये पता भी हमारा गुरु है, हम तो उसका नाम जपते हैं, सब उसका नाम जपते हैं, भाई वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि, हम वाल्मीकि। असल में तो क्या है कि हमारे साथ हमेशा चल हुआ कि हमारे समाज से इकलौते हुए द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया जी। कृष्ण था हाँ। तो कृष्ण ने उसको इकलौते को भी जो ना मना कर दिया कि भाई इसको उसको अर्जुन को हाँ। अर्जुन क्या नाम भूल गया मैं, कृष्ण ने इकलौते को भी मना कर दिया कि द्रोणाचार्य को मत सिखाना। भगवान श्री कृष्ण ने उसको, द्रोणाचार्य को भी मना कर दिया कि भाई इसको मत सिखाना, एक सूत्र है। अच्छा, तो सूत्र हमारे से घृणा करते थे लोग। द्रोणाचार्य ने उसे को मना करने के बाद नहीं सिखाया। जब इकलौते ने देखा भी नहीं सिखाएंगे ये, उसने मिट्टी की तस्वीर बनाई उसकी। अच्छा, उसका एक रोजाना चरण स्पर्श करता, आरती चलाता,
आपका कहने का तात्पर्य है उन्होंने गुरु गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, पुतले को गुरु माना, उसको गुरु माना, गुरु मान के उसके संस्पर्श करता था, गुरु मान के उसको रोजब तीर चलाता था। अच्छा, तो अर्जुन से भी तेज धनुषधारी हो गया। तो जब कृष्ण ने और अर्जुन को ये पता लगा कि भाई तू हमारे से भी तेज हो गया, इसको अंगूठा मांग लिया उसका, गुरु दक्षिणा दो जी, गुरु दक्षिणा दो, जब उसका अंगूठा मांग लिया तो हमारे से तो हमेशा गणना करे, हमें तो जो जितने भी थे हमारे समाज में हो गए। अच्छा, हम आदिवासी थे और आदिवासी समाज के थे, वाल्मीकि हमारा नाम लिया गया तो बहुत बात की बात है। उसके ऊपर उससे पहले हम भील थे, भील थे हम, भील जाति से थे, आदिवासी थे, भील थे, तो फिर तो है ना ये जोड़ दिया वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज है। अभी भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जब भी कोई काम पड़ता है तो वाल्मीकि समाज है और नहीं तो हमें वो पूछता ही नहीं है। रही भक्तावल की, एक ये हमारे जो ना ये भक्तावल का हो रहा है मामला हमारा। हम तो गुरु जी मेरा आपसे एक सवाल और था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जो हमारे भक्तावल है या जो ये हमारी तंत्र विद्या है, जो हमारे भगवान बावरी, जो सेवादार, ये हम वाल्मीकि समाज वालों को ही अधिक क्यों मिले हैं जी, औरों को इतना क्यों नहीं मिले जी? जो ये तंत्र विद्या है ये हमारे समाज में अत्यधिक या अधिक या ज्यादा क्यों है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जितना मुझे पता मैं बताऊंगा। अभी समाज है, समाज में एक से एक हमारा भाई बैठा है, वीर बैठा है, जितने वीर हुए हमारे समाज में हुए, और एक से एक हमारे से बड़ा ज्ञानी बैठा है, तो जितना पता उतना ही बता सकते हैं। किसी की जो ना प्रति अपने तरफ से हमें आलोचना नहीं करेंगे किसी की भी, तो जिसमें ठीक है, बाकी हमें जो पता वो बताएंगे, हम सबस करेंगे, क्लियर करेंगे। ये जो भूत विद्या, तांत्रिक विद्या और डमरूबाजी, ये हमारे समाज में ही क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे समाज के लोग भूत विद्या पे ज्यादा मतलब वो रखते हैं विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखते हैं तो कुछ जो हमारे समाज में है वो भी भगत लोग हैं। हम अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे, तो कुछ लोग ठगू हैं, ठगा बगी कर लूट खसोट करते हैं भगताई के नाम पे। भगताई के नियम तो ये है कि भाई कोई दुखी आता है बेचारा, पहले दुखी है और घरा बुला के घर आ गया बेचारा, उससे और लूट लिया, ऐसी भक्ताई का क्या फायदा हुआ, क्या मतलब हुआ? अरे किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसको लूट भी मत। पहली बात तो यार, आ बैठ पी पानी, तीन चीज मोल नहीं लानी। क्या गुरु जी? आ बैठ पी पानी, तीन चीज मोल नहीं लानी। नहीं, तीन चीज कौन सी है गुरु जी? आ बैठ, आओ जी बैठो, पानी पियो। ये आ बैठ पी पानी, तीन चीजें मोल नहीं लेनी। तो सबसे पहले आप बैठ करो, उसके बाद समस्या सुनो, अगर हमारे बस का है उसका हल करना तो उसका हल करो, किसी भी तरीके से करो। और रही फिर भक्तावल में, हमारी बहन बेटी समाज की है या गैर समाज की है, भक्तावल में कोई भी आ सकता है, 5 साल की से लेकर 50 साल की, 100 साल की, और हमारी बेटी है, ये भक्तावल का नियम है। किसी के हाथ के हाथ मत फैलाओ, उसका करो भला करो, जिस देवता का प्रसाद जो बनता है वो आराम से मांगो, जब मांगो जो उसका भला हो गया, लूट कर सोट कर भी नहीं करनी चाहिए। गुरु जी जो ये भगत है जो इलाज करते हैं, इलाज सफल होने से पहले कोई दुखी आया है उसका भला होने से पहले ही ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं, जो भी उनकी भेंट है वो ले जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि करके खाले लेकर दे दे, करके खाले लेकर दे दे, उस तक कौन सा भरोसा है, और नुगरा मानस समझदार की भरोसे। मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगले काम कर, उसके बाद भेंट पूजा तेरी बनती, बोले पहले लूट खसोट करना गलत, हम नहीं मानते उस चीज को, गलत है। एक तो पहले लुटा लुटा तो पहले आता कोई आदमी, दुख पाता है, परेशानी में आवे, अरे तू उसका हल नहीं कर सकता, पहले उसको बहन से लूटने लग गया तू, उसका आराम कर, भला कर, उसके घर का भला कर, 7-6 महीने उसको बर्ता दे, उसके बाद जो तेरे देवी देवता का जो बनता प्रसाद ले, भक्ता का तो ये है नियम। और रही बात दूसरी कि जो डमरूबाजी हमारी, ये डेरू जिसे हम डमरू बोलते हैं, जिसे डेरू बोलते हैं, ये हमें कैसे मिला, कैसे हमारी वाल्मीकि समाज को ये मिला है? ये बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारा वाल्मीकि समाज
सुंदर समाज है, बढ़िया समाज है हमारा। शिव महाराज और माता पार्वती दोनों बैठे थे, तो कीड़ी को कन हाथी को मन शिव महाराज बांट देता है सुबह। अच्छा। तो सबको सब कुछ दे दिया कि हमारे समाज के लोग थे ये बेचारे काम तो करते नहीं, काम बहुत कम करते हैं ये लोग अपने टोरफोरी में ज्यादा रहते हैं। और भगवान ने उनको फाय दे दिया। पार्वती बोली माता पार्वती बोली के महाराज ये तो आपने गलत कर दिया, सबको तो पैदा कोठी बंगले महल सब कुछ दे दिया, और ये बेचारे गरीब ये कैसे रख दिए। बोले पार्वती तुझे नहीं पता इनको सब कुछ दे दिया हमने, सबसे ज्यादा इनके पास है, क्या इनके पास है तो बेचारे भूखे भंडारी है। बोले नहीं, सूर ये पाल लेंगे, कुत्ता ये पाल लेंगे, हाथी ये पाल लेंगे, घोड़ा ये पाल लेंगे, सब जानवर पाल सकते हैं। नौकरी में आ जा, सफाई की नौकरी ये कर ले, झाड़ू की नौकरी ये कर ले, कलरक की नौकरी ये कर ले, देश के प्रधानमंत्री ये बन जाए, इनका कोई रोक टोक नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बोले नहीं मैं नहीं मानती, मुझे दिखा के ला। बोला नहीं मानते चल अभी दिखाता हूँ। शिव महाराज अपना लेकर डमरू और माता पार्वती के साथ अपने पेश में आ गया, माता पार्वती आगा गए, शिव महाराज पीछे पीछे। तो हमारे समाज के लोग बैठे थे, उन्होंने देखा, बोले देखो ना मोटा कितनी बढ़िया लुगाई लेकर चल रहा है। अच्छा। वो माता पार्वती पकड़ ली, बोले बोले मोले तू तू क्या करेगा इस लुगाई का, तेरा क्या काम हम रख। पार्वती बोले माता बड़ा छोटा, बोले तू देख ले मैंने कभी तेरा क्या है के करे क्यों सुटेगी। तो फिर माता पार्वती शक्ति थी, वो भी अनजान नहीं थी, वो हर चीज का ज्ञान था उसने। तो जब फेरी लगा कर महाराज जी आवा, बोले अभी को भूत रुवा लो। बोले तो यार यू आ गया मोटर, मुझे तार भी देगा भूत है, शिव महाराज ने मोटा कर लग के। बोले भूत तार भी दे, बोले हाँ तार देंगे भाई। जब शिव महाराज डमरू बजाया, माता पार्वती का भूत उतारा, बोले रे भाई तू तो बहुत बढ़िया चीज ले रहा है, ये और कोस लेगा। तो बोला भाई ऐसे नहीं, ये मेरे को दे दो और तो मेरे को दे दो और डमरू तुम ले लो। तो बोला ले जाए लीजिए हमारे काम की ना है। जब वो शिव महाराज ने उनको ये वरदान दिया था, सब बहन जो थारे पास गए। अच्छा, इसलिए हमें डमरू डेरू मिला हुआ, हमें डेरू मिल रहा है। और जो ये गुरु जी जो ये तंत्र विद्या है जो हमारे समाज में, हालांकि दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा तंत्र विद्या उत्तराखंड में भी बहुत अत्यधिक रूप से चलती है, पर जितना हमारे जो ये वाल्मीकि समाज में इसकी मान्यता उतनी वहां नहीं है। हमारे में आप ये कह सकते हो कि घर घर में हम हमारे पितरों को जिन्हें हम पूर्वज है जो हमारे जो गुजर चुके हैं हम उन्हें मानते हैं, हमारे सेवादार है। कुछ हमारे जो बड़े बड़े भगवान होते हैं जैसे आप सभी कुछ लोग उन्हें जानते भी होंगे, जैसे हमारे पांचों बावरी कलवा पौन जी या और भी अन्य पीर महाराज या माताएं जो जैसे गुड़गांव वाली माताएं माता मसानी, बहुत और भी अधिक माताएं हैं जिनकी हमारी जाति में मान्यता है, वो भी हमारे समाज में है। तो हम गुरु जी से ये पूछना चाहेंगे कि ये हमारे समाज में ये आई तो हमने इनको सुअर मांस मदिरा, क्योंकि हालांकि मैंने सुना था कि जो ये हमारे बावरी हुए थे ये हमारे नागे गुरु जी उन्हीं की देन से हुए थे। ये ऐसा था कि माता तो कपूरी दीन की माता बावरी होगी, उसके माता कपूरी के संतान नहीं थी, जब तक तो माता थी नहीं, जब तुम कपूरी थी उसके बाद वो संतान नहीं हुई। संतान है तो भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ का रूप है गोरखनाथ, माया तो भोलेनाथ की है सारी है। तो गोरखनाथ के धोने पे गई थी, जब वहां गोरखनाथ के धोने पे जाकर दास लगाई थी कि प्रभु मुझे भी संतान की प्राप्ति करो, मुझे संतान नहीं है। तो जब गोरखनाथ बाबा ने उसको बहुती दी थी, अगले पुत्री तेरे पांच पुत्र होंगे, प्रथम पुत्र पहला पुत्र धोने पे भेंट चढ़ा दियो। गोरखनाथ थे या नागे गुरु जी थे? गोरखनाथ थे, गोरखनाथ नागे गुरु के पास तो सब कहते हैं ना झगड़ा हो गया था। तो एक ये नई बात और निकल के सामने आई है कि जो माता कपूरी थी जिन्हें बावरियों की माँ कहा जाता है, वो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के पास गई थी जब वो बांझ थी
निसंतान थी। तो आगे अब गुरु जी के मुंह से सुनते हैं आगे की बात। हाँ तो वो उनके पास गई फिर तो गुरु जी ने उनको जो ना भगूति दी, भगूति अगते पांच पुत्र होंगे और प्रथम पुत्र दूने बच्चा राना बच्चा तो माता जी उसने तो हाँ कर ली, ठीक है बाबा। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो पहला पुत्र बाबा केसरा लौरी हुआ, दूसरे नंबर पे बाबा सबल सिंह लौरी हुआ। तो ये जोड़िया हुई है दोनों। तो गुरु जी जो अत्यधिक मान्यता ये है कि ज्यादा मान्यता ये है कि बावरियों में बड़े बावरी सबल सिंह बावरी को माना जाता है, पर जैसा कि हमने आपके मुख से सुना, आपके मुंह से बात सुनी है कि केसरमल बावरी बड़े थे। केसरमल बावरी बड़े थे तो आप बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ, केसरमल बावरी बड़े थे इसलिए माता कपूरी ने उनको रोक लिया कि मेरा पहला पुत्र है, मेरा दूसरा पुत्र था सबल सिंह बावरी, उसको लेकर दूने पर चली गई। दूने पर चली गई तो गुरु जी तो जान ही जान थे, बोले कपूरी चल कर ये तू जो पहला पुत्र तेरा वो लिया, बोली महाराज ये हुआ अगर नहीं, बोला नहीं तो गिर दे धोने में इसको। अच्छा तो उसको जब धोने में डाल दिया था। किसको? सबल सिंह बावरी। सबल सिंह बावरी जो छोटे थे। हाँ। और बड़े केसरमल बावरी थे तो वो माँ के प्यार ने उन्हें छुपा दिया और जो दूसरे पुत्र थे उनको धोने में डाल दिया, धोने के आगे पेश कर दिया गया कि पहला पुत्र बता गए। पर जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी थे जैसा गुरु जी ने बताया वो तो खैर जान ही जान है, तो उन्होंने पता चल लगा लिया था अपनी विद्या से कि भाई ये छल कर रही है। तो गुरुजी आगे तो उसके बाद जो है जब रोने पीटने लगी कि पुत्र को जब धोने में डाल दिया था चलेगा पुत्र बच्चा छोटा बच्चा था, तो उस टाइम पे बाबा जी ने बोले कपूरी रो क्यों रही है, हाथ डाल के निकाल दे धोने में से। तो जलते धोने में से हाथ डाल के ने उसको निकाला था सबल सिंह, जब उसका नाम सबल सिंह तब रखा था, पहले तो नाम ही नहीं था, बच्चा था छोटा था। हाँ। तो सबल सिंह वो सबल सिंह हो गया, जल गया कुछ काला पीला हो गया मैला कुछ चिल्ला हो गया। तो जब उसका नाम बाबा बंद रहा था ये सबल सिंह हो गया बाबा जी एक और वो उसका नाम केसरमल है, जब ये केसरमल और सबल सिंह सब बने थे उसके बाद बाकी पुत्र बाद में हो गए। तो गुरु जी एक बात और है, जो हमारे पांचों बावरियों के नाम है इनके नामों में हमेशा फेर बदल रहती है, तो आप एक बार बता दे कि कौन कौन से बावरी किस किस नंबर के है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन मंझला है, यानी जो बड़े और छोटे के जो बीच में होता है उनके बीच में जो पैदा होता है वो कौन सा है, पांचों बावरी और कई बार जो नथमल बावरी है ये नथमल बावरी कौन है, इनके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग बदले हुए हैं क्योंकि चारों बावरियों के नाम तो खैर दुनिया याद रख रही है, पर ये जो पांचवा बावरी है इनके नाम कहीं कहीं जाके चेंज हो जाते हैं। सबसे सुनो मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा केसरमल बावरी ये कपूरी की संतान है, उसके बाद सबल सिंह बावरी, उसके बाद है हरि सिंह बावरी, उसके बाद है जीतमल बावरी और उसके बाद है नथमल बावरी, ये पांचों सगे भाई है। पर कई जैसे गुरु जी हमने जो हम कैसेट में देखते हैं हरि सिंह बावरी को बड़ा बताया जाता है, नहीं वो गलत है, वो गलत है क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि कपूरी वंश थी, उसको संतान की प्राप्ति हुई तो पहला पुत्र वहां मांग लिया था, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो क्लियर क्लियर है। वैसे कैस्टों में कुछ भी बता देते हैं लोग, बाकी हकीकत ये है। ठीक है ये बात है। तो एक बात और मैं गुरुजी से जानना चाहूंगा कि जो हम इनको मदरा मांस सुअर का भोग लगाते हैं ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या इन्होंने खुद ऐसा मांगा था या हम जो हमारी जात है उन्होंने हमारी जो वाल्मीकि समाज भील है जो हम उन्होंने इनको खुद से चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया था मदरा और मांस का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बावरी है ये खुद शिकारी थे, शिकार खेलते थे, शिकार करते थे और हम तो करते करते थे, तो ये शक्तिशाली थे, तो कुछ तो इन्होंने कहा कि भाई हमें भी कुछ भोग दो और फिर कुछ हमारा भी जाट का स्वाद है कुछ लोगों का। अच्छा। कहीं बकरा कहीं सुअर कहीं मेंढा, ये अपने स्वाद मेंढा क्या गुरु जी? मेंढा वो भेड़ का भेड़ बोलते इसको, भेड़ बोलते भेड़ का बच्चा उसको, तो ये अपने अपने स्वाद के अनुसार है, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं करता कि मेरा तू सूर चढ़ा
मेरा तू बकरा काट, ये तू इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, नहीं तो मार्स मित्रा का है। मित्रा पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, मित्रा धोती भी नहीं थी उस टाइम पे, कहीं कहीं मिलती थी, वो मीठा पानी करके ना उसका भोग लाते, तब क्या मंजूर नहीं होता था ये, तभी तो मंजूर होता था। और आज तो बहन तो 5,000 की बोतल चढ़ा दे तभी मंजूर नहीं होती। हाँ ये तो नकली आ गया। ये हमारे हमारे भगत लोग है। पहले तो देसी दारू में भी काम चल जाता था, पर आजकल के जो लुट्टू खसुट्टू भगत है उन्हें महंगी दारू चाहिए, ब्लैक डॉग। हाँ। और भी कई दारू है क्यों गुरु जी? ब्लैक डॉग से तो कम मांगते हैं। हाँ। वो और मैं आपको बता दू, ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है ना, हमने पहले से सोच समझ के बना रखी है। गुरु जी का स्वभाव थोड़ा हंसी मजाक करके बातचीत करने का है, तो हम गुरु जी हमारे ऐसे, इनका वैसे घरेलू नाम पालू जी है, पर इनका रियल नाम है, जो इनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश लुहेरा, गांव पिथोपरा। ये जो हमारे राहुल भगत जी है, जिनकी आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हैं, ये उनके पिताजी हैं और ये हमारे गुरुवर भी हैं। ये समैया भी थे, इन्होंने डेरो भी बजाए, बहुत खाड़े कपाड़ों में बैठे हैं, इन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत तरीके का, हालांकि ये मानते नहीं है इन्हें ज्ञान है, ये इनका खैर बड़प्पन है। हम इनसे किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं और आगे भी वीडियो में आपको इनकी बहुत अधिक बातें जो इनके पास है, जो हमारी नई पीढ़ी के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल भगतावल को लोगों ने एक क्रेज ले रखा है, क्रेज यानी बस एक ये चलन हो चुका है। सही मामलों में भगताई का किसी को पता है? पता नहीं है गुरु जी, बिल्कुल सही बात। हाँ। भगताई का पता नहीं है, तो भगताई का तो आदमी ने ठंडे दिमाग से भगताई करो। भगत का मतलब क्या होता है? भगत भगवान का रूप होता है, भगवान का और भगत का मिलन होना चाहिए, परमात्मा से लो लगा, ये परमात्मा जो मेरे घर पे आया, मेरे द्वार पे आया, इसका भला कर, सबसे पहला काम। दूसरा काम, किसी का भला हो जा तब किसी से कुछ लेने देने का अधिकार है उसका, कि भाई मेरे देवता का लौंग है, पतासा है, शक्कर चीनी जो बनता है। और जो ये धन ले जाते हैं गुरु जी पैसा, हाँ, तो ये क्या पैसा भी देना चाहिए? क्योंकि ये सही मायनों में आपने नियम बताया है, भगताई के कुछ नियम है, हालांकि आज के जमाने में नहीं पता अत्यधिक लोगों को कि भगताई के, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि भगताई के कुछ नियम भी है, क्योंकि आजकल तो ये चल रहा है भाई, जिसके 5 बाड़ हल्के वो भगत। पहले क्या था, पहले भी तो हमारे बड़े कुछ गुरुदेव तो आते थे, भगत थे, 12 कोस तक भगत नहीं मिलता था। आज एक ईंट पाटते 10 भगत लग गया। हाँ। और कूदते और झगड़े भी नीचे थे, ये तो बात सच है, नीचे तो कूद 12 गम्मा में भगत नहीं आया करते पहले, ढूंढा थे भाई यार भगत है, भाई भगत ढूंढे थे, ढूंढे जाओगे आज तो गाने के लिए भगत। चलिए ठीक है, ये बात आपकी मान ली है। और एक दो बात मैं और आपको बताना चाहूँ, जो हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ये वैसे नहीं है जैसे और लोग होते हैं कि बढ़ावा देना कि भाई पैसे वालों को कि भाई आप भगताई करके पैसा लो, इनका काम सिर्फ ये है कि भाई ज्ञान दो, भला करो, क्योंकि जो ये लुट्टू खसुट्टू भगत है इनकी वजह से भगताई का स्तर इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि अब भगतों के ऊपर एक कहावत है। मैं गुरु जी के आगे ये कहना चाहूंगा कि शाने घर खाने, क्योंकि ये कुछ भगतों ने जिन पे लोगों को विश्वास था उन्होंने ही ये नाम डुबाया है, उन्होंने लोगों से पैसा खा के उनका इलाज ना करके समय से पहले भेंट ले लेते हैं, फिर उनका कुछ इलाज करते नहीं, इस कारण भगताई का स्तर इतना नीचे गिर गया है, जिस कारण लोग सिर्फ कूदना तो पसंद करते हैं पर भगतों को पसंद नहीं करते घर में आना कि भाई शाना आ गया, योदा घर खा जाएगा, योदा हमने लूट कर ले जाएगा, ये आजकल चल रहा है। तो जो ये हमारा चैनल हमने बनाया है भगतावल की दुनिया, जिसपे आप हमारे ओम प्रकाश गुरु जी को देख रहे हैं, अभी आप हमें सुन रहे हैं, तो ये इसी पे चोट करने के लिए है। जो लुट्टू खसुट्टू भगत हैं वो अब भाई सावधान हो जाए, क्योंकि अब सही लोग भी YouTube पर आ चुके हैं,
बाकी हम गुरुजी से और भी ज्ञान की अत्यधिक बात करेंगे कि भक्तावल से जुड़ी। अब हम और अधिक देवताओं के बारे में भी इनसे पूछेंगे और भी बातें करेंगे, तो आइए सुनते हैं। तो गुरुजी एक सवाल और है मेरा आपसे, हाँ बोलिए। जैसे ये हमारे माताएं हैं जो माता पाथरी वाली, माता मसानी को तो रहस्यमयी देवी माना गया है, इसके तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ये तो बहुत पौराणिक देवी है, बहुत रहस्यमयी देवी है। इसका तो शायद गुरुजी आपने हमें सिखाया, इसका तो कोई पता ही नहीं है कहाँ से चलत है, कहाँ कैसे हुआ। तो ये इतनी पुरानी है, पहले तो इनको किसी ने सूट दिए ही नहीं, माता बसाणी को। पर जो हमारी जाति है या अन्य जाति है उसमें माता को सुअर चढ़ाए जाते हैं, गुरुजी सही कहा? बिल्कुल ठीक कहा। तो ये ऐसा क्यों गुरुजी? और कहीं जगह इनको मीठे पतासे पे, अलग अलग जगह कहीं गुड़ पे, कहीं किसी और चीज से ये चढ़ाया जाता है, परंतु हमारी जात में इनको सुअर दिया जाता है, तो ऐसा क्यों दिया जाता है गुरु जी हमें बताएंगे? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग सूर पहले से देते, हमारे बुजुर्ग बड़े पहले से देते आए। जिस जिसने जहाँ पे धार लिया, धारणा कर ली, वे माता करे मैं पार पता से चढ़ाऊंगा, मेरे से ये बनाएंगे, तो वो वही मंजूर करेगी। माता मसानी, हाँ माता मसानी वही मंजूर करेगी भी, आत्मा से पार पता से तेरे ये मंजूर करेंगे तो करेगी वो। ऐसा नहीं है वो जबरदस्ती तेरे से सूट मांगेगी, देना पड़ेगा। तू खाता है ना तो तुम्हें देना पड़ेगा, तू खा तू भी छोड़ दे, हाँ ये बात है। तू माता को तो देता नहीं और तू खुद खाएगा, क्यों भाई? तू तू ज्यादा बनने का है, अच्छा तू भी छोड़ दे। इसलिए माता ठीक है भाई, मैं भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे, जो पहले से देते आए। अच्छा ये हमारे पूर्वजों ने लाग लगाई, ये भाई पूर्वजों ने लाग लगाई है, पहले से वो दे रहे हैं। अब हम आप उसको कहेंगे माता हम पता से दे देंगे तेरे, हाँ। तू सुअर मत ले हमारे से। तो तो माता का सीधा सवाल है कि भाई तू भी जोड़ दे सुअर, तू भी मत खा पता से, तू भी खा ले पता से। अच्छा तो ये बात है गुरु जी। ये बात है। तो कुल मिला के बाद गुरु जी ने ये बताया, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भाई जिसके पास जो था उसने वैसी लाग लगाई। हाँ पुराने जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास सुअर जानवर ये होते थे, मिंडे बकरे अत्यधिक मात्रा में थे, और जो जिस इंसान के पास जो अधिक मात्रा में होगा भगवान को वही को अर्पण करना वही चाहेगा। भोग लगाएगा। हाँ तो ये बात है गुरु जी, सिर्फ यही बात है। अच्छा तो ये था हमारी वार्तालाप पालू गुरु जी, ओम प्रकाश जिनका नाम है, ओम प्रकाश रुहेरा जी हमारे गुरु जी हैं, उनके साथ। कुछ आपको मुझे उम्मीद है कुछ ज्ञान मिला होगा भक्ताई की दुनिया से, भक्तावल की दुनिया से। आगे हमारी और भी वीडियो आती रहेंगी, तो हमारी और वीडियो को देखने के लिए भक्तावल की दुनिया को सब्सक्राइब करें और उस घंटे के निशान को दबाएं। धन्यवाद।